Good morning, student. I am Kruti Prajapati, your English teacher. Today I am going to teach you our English grammar portion, chapter 5, articles and determiner. First of all, I will give some basic knowledge, what is article, in which place we use article. Okay, then I will start. A, an, and, the are called articles. There are three types of articles, which, a, an, and the. A and an are called indefinite articles and the is called the definite articles. Here we will learn which place we use a, which place we use an, and which place we use article the. Now, first of all, I give some example to explain easily. First, यहाँ पे first है owl. Owl का ये जो o है, उसके वजह से we can use an, a tree. On a tree in the Himalayas. First, I will explain which place we use article A. A is used before a word beginning with a consonant sound. Article A जो use होता है वो जो consonant sounds के जो भी words होते हैं उसके लिए we can use article A. First of all, we also know what is the consonant and what is the vowel. And the A, E, I, O, U, they all are called vowel, and A to Z, any another alphabets are called the consonant. Another, which place we use an? How can you find out ki in this place, in this word, which we use a or an? So suppose a is used before a word beginning with a consonant sound, and at like an is used before a word beginning with a vowel sound or silent h. मतलब कि a article है जो word की starting मतलब के जो pronunciation है वो कॉन्सनेंट साउंड के साथ होगा, सो वी कैन यूज आर्टिकल ए. एंड विच वर्ड वी यूज आर्टिकल एन इज स्टार्ट अ वोवेल साउंड एंड ऑल्सो स्टार्ट सम साइलेंट वर्ड इन विच वी यूज आर्टिकल एन. आई विल गिव सम एग्जाम्पल टू इजीली अंडरस्टैंड हाउ कैन वी फाइंड आउट के विच वर्ड वी यूज ए एंड विच वर्ड वी यूज आर्टिकल एन. सपोज हियर आर द सम वर्ड इज बर्ड. बर्ड तो बर्ड का ही भी इट्स साउंड इज अ कॉन्सनेंट साउंड, सो विच वी यूज आर्टिकल ए. अनदर वर्ड इज इंडियन. इन इंडियन व्हेन वी स्पीक इंडियन इट्स साउंड लाइक अ वोवेल साउंड, सो वी विल यूज आर्टिकल एन. अवर अनदर एग्जाम्पल इज वन आईड जायंट. इफ यू इन दिस वर्ड यू विल बी कन्फ्यूज, वाई? बिकॉज इट्स स्टार्टिंग इज वर्ड स्टार्टिंग विथ वोवेल्स A, E, I, O, U में से O, but its beginnings with a consonant sound. When we speak one-eyed giant, we don't use O, A, R, E, मतलब कि A, E, I, O, U. We can use one. So in this word, we use article A. इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपको ये word को देख के ऐसा लगेगा कि ये तो O से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स ये है तो वोवेल. बट वाई? तो दैट्स वाई वाई वी यूज आर्टिकल ए, क्योंकि जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो कॉन्सोनेंट साउंड से होता है, इसी वजह से इन दिस वर्ड वी यूज आर्टिकल ए. ओके, फर्स्ट नाउ आई विल एक्सप्लेन सम पॉइंट्स टू रिमेंबर एंड इट इजीली टू आइडेंटिफाई विच वर्ड वी यूज आर्टिकल ए एन. अवर फर्स्ट पॉइंट इज ए एन इज यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन विच इज काउंटेबल. फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि आर्टिकल ए और एन है वो सिंगुलर बिफोर सिंगुलर नाउन जो काउंटेबल हो उसमें यूज होता है. अवर अनदर पॉइंट इज ए या एन इज नॉट यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स. इन रियल बिफोर थिंग्स वी कैन नॉट काउंट. ए और एन आर्टिकल इज नॉट यूज इन अनकाउंटेबल नाउन. मतलब आर्टिकल ए और एन है वो अनकाउंटेबल नाउन में यूज नहीं होगा. इट इज यूज ओनली एंड ओनली काउंटेबल नाउन. प्लीज रिमाइंड दीज टू पॉइंट्स. नाउ वी विल डिस्कस अवर अनदर एंड थर्ड वन आर्टिकल इज आर्टिकल द. इन माई फर्स्ट पॉइंट आई विल सेस अबाउट द आर्टिकल द इज द डेफिनेट आर्टिकल. Now I will explain briefly what we use article the and which word we use article the.
We use when it is clear which thing or person we mean. It means जिसके बारे में या जिस person के बारे में हम कहना चाह रहे हैं वो exactly उसके related ही हो. Then we will use article the. I will give some example to easily understand. Turn off the light and close the door. यहाँ पे point out किया गया है कि ये वाली light और ये वाला door ही close करना है. So we can use light before we use the and also we use door before the. Another example is, do you live far from the station? यहाँ पे ये स्टेशन, आप स्टेशन से कितनी दूर पे रहते हो. तो यहाँ पे पर्टिकुलर बोल दिया है कि पर्टिकुलर जगह बोल दी है स्टेशन. ऐसा पर्टिकुलर प्लेस के बारे में भी जब बात की जाती है सो वी कैन यूज बिफोर द वर्ड आर्टिकल द. अवर अनदर पॉइंट, अवर अनदर एग्जाम्पल इज वी यूज द इन द फॉलोइंग केसेस ऑल्सो. नाउ आई विल गिव सम अनदर पॉइंट्स टू ईजिली अंडरस्टैंड इन विच प्लेस एंड विच वर्ड वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड टू यूज द आर्टिकल द. नाउ अवर फर्स्ट पॉइंट इज टू स्पीक ऑफ अ पर्टिक्युलर पर्सन और थिंग. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी पर्टिकुलर, जैसे कि आई कैन ईजिली अंडरस्टैंड एंड यू कैन ऑल्सो ईजिली अंडरस्टैंड कि विच पर्सन एंड विच थिंग आई विल एक्सप्लेन एंड आई विल से अबाउट इट. मतलब कि आपको पता है कि हम पर्टिकुलर यही व्यक्ति के बारे में या यही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. तो इन दिस प्लेस वी कैन यूज आर्टिकल द. अवर आई विल गिव सम एग्जाम्पल. This is the book he wants. मतलब कि ये वही बुक है जो वो चाहता है. इसलिए यहाँ पे पर्टिकुलर वही बुक के बारे में बात की है. So we can use the article the before the book. She is the girl who won the prize. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये वही लड़की है जिसने प्राइज विन किया है. तो यहाँ पे पर्टिकुलर वही गर्ल के बारे में बात की है. So we can use the article the. Our another point is, we don't use the when we are talking about something in general. जैसे कि कोई भी जनरली बात हो, बटर है, चीज़ है, स्कूल है, ऐसी जनरली बातों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं सो वी कांट यूज इन दिस वर्ड आर्टिकल द. जैसे कि आई विल गिव सम एग्जाम्पल टू ईजिली अंडरस्टैंड के विच थिंग्स आर जनरली यूज. आई विल गिव एग्जाम्पल, बटर इज नॉट गुड फॉर यू. तो यहाँ पे ये जनरल है, इस टॉपिक पे यहाँ पे जनरल है. बट द बटर इज इन द फ्रिज. मतलब कि यहाँ पे ऐसा बोला है कि वो वाला बटर जो फ्रिज में पड़ा है, मतलब कि फ्रिज में पड़े हुए बटर के बारे में बात कर लिया है तभी यहाँ पे द यूज किया है. पर यहाँ पे बस जनरली बोला है कि बटर इज नॉट गुड फॉर यू. तो यहाँ पे जनरली है, इसी वजह से जब जनरली कोई भी वर्ड में यो वर्ड यूज किया हो तो वी कांट यूज आर्टिकल द. बट वी कैन say something about this word in a particular way. मतलब कि देखिए यहाँ पे जो बटर है उसको जब मैंने जनरली फॉर्म में सेंटेंस में यूज़ किया तो आई कांट यूज द आर्टिकल द. बट उसी बटर को जब मैंने पर्टिकुलर वे में सेंटेंस बना के यूज़ किया तो उसमें आई कैन यूज द आर्टिकल द. यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ अवर अनदर पॉइंट इज विथ अ सिंगुलर नाउन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास. सिंगुलर नाउन हो पर वो होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है. जैसे कि रोज़ की स्मेल, तो वो डिफरेंट टाइप्स के रोज़ हो या एक ही रोज़ हो, मतलब कि वो पूरे रोज़ की, मतलब होल क्लास के बारे में बात कर रहा हो. सो वी कैन यूज़ द आर्टिकल द. मतलब कि चाहे वही भले सिंगुलर फॉर्म में हो पर होल क्लास, मतलब कि उसकी पूरी क्लास के, मतलब उसकी पूरी डिग्निटी के बारे में बात कर रहा हो. सो वी कैन यूज़ द. जैसे कि कैट एंड द लायन आर ऑफ द सेम फैमिली. यहाँ पे पूरे कैट के बारे में बात करें, होल कैट फैमिली, एंड ऑल्सो द डिस्क्राइब द होल लायन फैमिली. सो वी कैन यूज द इन अ कैट एंड ऑल्सो यूज द इन अ लायन. एंड नाउ अवर अनदर पॉइंट इज बट वेन वी यूज मैन और वुमेन फॉर द होल क्लास वी नेवर यूज एन ए एंड द. मतलब कि मैन और वुमेन है वो पूरे मैन के होल क्लास और वुमेन पूरे होल क्लास के लिए बात कर रहे हैं. मतलब कि पूरी मैन फैमिली, मतलब कि मैन से रिलेटेड जो भी उससे रिलेटेड और वुमेन से रिलेटेड हो, तो उस टाइम पे हमें ना ही एन ना ही ए
और ना ही द, इनमें से कोई आर्टिकल का हमको यूज नहीं करना है. एंड अनदर पॉइंट इज इन विच प्लेस वी यूज द आर्टिकल द विथ सुपरलेटिव. वेन वी स्पीक अबाउट द सब सुपरलेटिव एडजेक्टिव फॉर्म्स वी कैन यूज द आर्टिकल द. जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे बेस्ट है वो कंपेरेटिव फॉर्म में, सुपरलेटिव फॉर्म में है, सो वी कैन ईजिली यूज द आर्टिकल द. उसी तरह से अवर अनदर पॉइंट इज बिफोर एन एडजेक्टिव वेन द नाउन इज अंडरस्टूड वी कैन यूज आर्टिकल द. मतलब कि एडजेक्टिव के पहले और नाउन ईजिली अंडरस्टूड हो जाए, सो वी कैन यूज आर्टिकल द. द रिच शुड हेल्प द पुअर, यहाँ पे रिच इट्स एडजेक्टिव है, यहाँ पे पुअर वो नाउन है. दोनों के दोनों में हमको पर्टिकुलरली ऐसे समझ में आ जाता है कि रिच शुड, मतलब कि रिच लोगों को, गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए. तो दोनों ही क्लास के लिए वी कैन ईजिली यूज आर्टिकल द. नाउ अवर फिफ्थ पॉइंट इज विद द नेम ऑफ स्क्वायर बुक्स, वेदास, पुराण्स, द रामायण, द बाइबल, द कुरान. मतलब कि एनी होली बुक्स रिलेटेड टू हिंदूज, मुस्लिम, क्रिश्चियन, एनी रिलीजन, इट्स नथिंग टू हैपन. बट व्हेन वी यूज एनी स्क्वायर बुक लाइक वेदा, पुराण, रामायण, बाइबल, कुरान, वी कैन यूज इन दिस सेंट इन वी कैन यूज इन दिस बुक बिफोर वी यूज आर्टिकल द. We are another topic, another point in which with the name of natural objects that are unique. Yeah, it means say that when we speak and when we explain some natural object and it's unique, unique मतलब कि एक ही है, तो उन सभी के लिए भी we can use article the. जैसे कि sun है, moon है, ocean है, वो है natural objects और वो unique ही है. Unique मतलब कि only one. जैसे कि द सन, द स्काई, द ओशियन. अवर अनदर टॉपिक इज लास्ट विद द नेम ऑफ रिवर, सी, ओशियंस, गुल्फ, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड एंड माउंटेन रेंजेस. नाउ विच प्लेस वी यूज व्हेन वी स्पीक अबाउट सम रिवर्स नेम, व्हेन वी स्पीक अबाउट सम गुल्फ, व्हेन वी स्पीक अबाउट सम आइलैंड नेम, व्हेन वी स्पीक अबाउट सम ओशियन, व्हेन वी स्पीक अबाउट सम सीज, इन ऑल दिस ग्रुप ऑफ वर्ड वी कैन यूज द आर्टिकल द. ओके, जैसे कि गंगा, द नेम, इट इज द नेम ऑफ द रिवर, सो वी कैन यूज द आर्टिकल द. फिर द यमुना, इट्स ऑल्सो द नेम ऑफ रिवर, सो वी कैन यूज द आर्टिकल द. एल्स एंड द हिमालयस, इट इज द ऑल्सो द नेम ऑफ द माउंटेन रेंज. इट मीन्स वेन वी यूज द नेम ऑफ रिवर्स, ओशियन, गुल्फ, गुल्फ, आइलैंड, इन दिस ऑल द ग्रुप ऑफ वर्ड्स वी यूज द आर्टिकल द. ओके, ये तो मैंने आपको सब बेसिक नॉलेज दिया इन विच प्लेस वी यूज आर्टिकल ए एन एंड द. नाउ वी स्टार्ट अवर चैप्टर. ओके, ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल इन इंग्लिश ग्रामर, दे आर रियली काइंड ऑफ एडजेक्टिव. मतलब कि एडजेक्टिव के साथ वो रियली काइंडली है. ए इज यूज बिफोर वर्ड बिगेनिंग कॉन्सोनेंट साउंड एंड बिफोर यू साउंडेड यो एंड बिफोर ओ साउंडेड व्यू, तो वी कैन यूज ए. अभी मैंने बेसिक नॉलेज में आपको ईजिली अंडरस्टैंड करवा दिया है कि वेन वी स्पीक when we speak any word, it start with the consonant sound, we can use the article a. उसी तरह से n is used before a word beginning the vowel sound or silent a. It means say that when we speak some words and it sounds beginning with vowel, so we can use article n. I will show some examples. Suppose when I speak giant, तो इट स्टार्ट विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, सो वी कैन यूज द आर्टिकल ए. एंड अनदर इज यूरोपियन, यू आर यूरोपियन, तो इट स्टार्ट विथ वोवेल वर्ड, बट इट स्टार्ट व्हेन वी प्रोनाउंसेस दिस वर्ड इट साउंड बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट, सो वी कैन यूज द आर्टिकल ए. यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा कि ई है, ई से स्टार्ट हुआ, वैसे वो सोचे तो वो है तो वोवेल ए ई आई ओ यू,
but it's when we speak European, so it's beginning with a consonant sound. So we can use article A. उसी तरह से आप यहाँ पे भी easily देख सकते हैं. Egg. It start with a vowel sound, so we can use article and. फिर यहाँ पे our. तो यहाँ पे देखिए our में भी ऐसा है कि when we see the spelling of our, the word start with H. H is the consonant in alphabet. So why we use article and before our? Why? Because when we speak our, we don't speak hover, it speak our. So it start with a beginning with a vowel sound. So we can use the article A. तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखनी की है. If word we start in a vowel, but we use article A. So not confuse. It easily understand कि when we speak some word, it starting with consonant sound, we can use A. And when we speak some word starting with vowel sound, so we can use article A. Okay? Now we use the when it is clear which thing or person we means. यहाँ पे हमको पता है कि जो particular thing or person के बारे में बात कर रहे हैं, so we can use the article the. जैसे कि the door, the ceiling, the floor, the light. बट वो पर्टिकुलर रूम के बारे में ही बात करें. सपोज यहाँ अपना खुद का एक रूम है. अब हम उस रूम के बारे में रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि लाइट है, फैन है, सीलिंग है, फ्लोर है, वो पर्टिकुलर रूम के बारे में ही हम बात कर रहे हैं. सो वी कैन यूज आर्टिकल द. नाउ वी कैन ऑल्सो द सुपर, जैसे कि यहाँ पे ऑफ अ टाउन, मतलब कि जैसे कि हमारी सिटी है पालमपुर, उसमें भी मैं जो जो प्लेस के बारे में बात कर रही हूँ, अगर वो प्लेस मेरे टाउन में ही है, मतलब कि पर्टिकुलर प्लेस ही है, सो वी कैन यूज़ द आर्टिकल द. जैसे कि मॉम इज इन द किचन, तो यहाँ पे किचन है वो अपने ही घर का एक पर्टिकुलर पोर्शन है और ममा उस टाइम पे वही पोर्शन में है, किचन वाले पोर्शन में ही है. सो वी कैन यूज द बिफोर किचन. आई हैड लाइक टू स्पीक टू द मैनेजर प्लीज, मतलब कि यहाँ पे भी मैंने मैनेजर के आगे द लगाए. व्हाई? बिकॉज when we say any problem related when we work in any particular place. अगर मैं कोई भी particular place में job कर लूँ, suppose company में, उससे related मुझे कोई उसी issue है, तो मैं वही particular manager के साथ ही बात करूँगी. तो यहाँ पर particular वही manager की बात की है, so यहाँ पर particular person है, तो इसीलिए यहाँ पर article use हो रहा है the. अभी मैंने बताया वैसे the is used in the following cases also. To speak of a particular person or thing, let us go to the club. यहाँ पे ऐसा derived किया गया है कि हम particular club में जाने के लिए ही बात करें. So we can use the article the. उसी तरह he is the boy who won the race. मतलब कि ये वही लड़का है जिसने race जीती है. We don't use the when we talking about something in general. यहाँ पे last time मैंने अभी आपको पीछे बोला था butter का, जैसे कि butter मैंने generally बोला था, तो we can't use article the, but मैंने butter particular जो freeze में रखा था उससे related बोला था, so I can use the article the. उसी तरह यहाँ ना another example है milk से related, जैसे कि milk is good for you, वो generally है कि milk आपके लिए अच्छा है, but the milk is in the freeze, मतलब कि यहाँ पे particular freeze में पड़ा है, मतलब कि जो milk freeze में है उसके बारे में बात की है. सो वी कैन यूज द आर्टिकल द. इट मीन्स से दैट व्हेन वी स्पीक सम वर्ड्स इन जनरली वी यूज आर्टिकल द, बट वी कांट यूज द आर्टिकल द. बट व्हेन वी स्पीक सेम वर्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस, सो वी कैन यूज द आर्टिकल द. ओके, नाउ वी कैन इजिली अंडरस्टैंड एंड आई कैन इजिली अंडरस्टैंड टू डिफरेंस विच वी गेट जनरल वर्ड्स वी कांट यूज आर्टिकल द एंड वी यूज सेम वर्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर सो वी यूज द आर्टिकल द. विद अ सिंगुलर नाउन टू रिप्रेजेंट होल क्लास, अभी मैंने आपको जैसे समझाया कि पूरी होल क्लास हो, जैसे कि काउ, तो द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो काउ वो पूरे क्लास को, मतलब कि काउ की पूरी फैमिली को बिलोंग करता है, सो यूज आर्टिकल द. बट वैन वी यूज मैन और वुमेन, अभी मैंने बोला जैसे कि हम मैन और वुमेन के बारे में और उनके पूरे क्लास के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो वी कैन नेवर यूज एनी आर्टिकल, नॉट यूज ए and or the, not any article we can use.
यहाँ पे विद द नेम ऑफ गुल्फ रिवर सीज ओशंस ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड माउंटेन रेंजेस एज व्हेन वी स्पीक सम नेम ऑफ गुल्फ रिवर सी ओशन आइलैंड माउंटेन रेंज वी कैन यूज आर्टिकल द विद द नेम ऑफ स्क्वायर बुक जैसे कि रामायण महाभारत बाइबल कोई भी हो तो वी कैन यूज आर्टिकल द नाउ स्टूडेंट नाउ आई विल एक्सप्लेन द एक्सरसाइज ऑफ आर्टिकल्स अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स आर्टिकल ए एन और द नाउ आई विल गिव सम एग्जाम्पल टू इजिली अंडरस्टैंड इन विच वर्ड वी यूज आर्टिकल ए एन एंड द अवर फर्स्ट ब्लैंक इज नेवर टेल ब्लैंक लाई मतलब कि Never tell blank a lie. When we speak lie, it start with the consonant sound. So we can use article A. Our another blank is he look as stupid as blank out. यहाँ पे when we speak out it start with the vowel sound so we can put down article n now our third one blank is ganga is blank sacred river okay here are the two blanks here are the two blanks in this sentence first one is ganga so ganga is the particular name of river so we can use the article the and our another second one is blank is sacred river matlab ke pavitra nadi to ye to bahut sari ho sakti hai isliye particular way mein nahi but general way mein hai so we can use the article a okay okay student in another blanks I given by a pdf so you can easily understand our exercise question 1 now I will give some another exercise to easily understand our article portion our question 2 is where will you put article the in the following sentence यहाँ पे आपको एक sentence दिया गया होगा उसको आपने particular जगह पे article the put down करना है जैसे कि अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सन राइजेस इन ईस्ट तो यहाँ पे ये जो पूरी सेंटेंस है आप में उसमें पर्टिकुलर जगह पे आर्टिकल द पुट डाउन करना है तो यहाँ पे आर्टिकल कहाँ पे आएगा सन राइजेस इन The east. Why? It is a direction. So it is the particular direction. We will say in this blank for a particular direction. So we can use the article the before east. Our second example is I am sitting blank but I am sitting in but in this sentence which place we put the article the here are the sentences I am sitting in bathtub to yahan pe wo bathtub matlab ki yahan pe wo particularly bol diya gaya hai ki wo kahan pe baitha hai bathtub so we can put the article the before the word bathtub
आई एम सिटिंग इन द बाथटब. Okay student, here are the some examples of article which we, here are the some example of sentence which we put the article the. Another sentence I will given by a PDF. Okay, thank you. Okay student, there is a some mistake in our sentence one. In sentence one is sun rises in the east. In this sentence sun is also natural object. So in this word we can also put the article the. So we can write this sentence is the sun rises in the east. Okay, thank you.